हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। इंडियन ऑयल की तरफ से फिर से जारी किया गया है बहुत सारे वैकेंसीज लेके। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ हर एक स्टेट के अंदर रिक्रूटमेंट के नए नोटिफिकेशन, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। इंडियन ऑयल की तरफ से जारी किया हुआ फिर से अप्रेंटाइज और भी बहुत सारे पोस्ट के, जिसके ऊपर आप लोगों को बताऊँगा। 14th of December 2022 में पब्लिश किया गया इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर बता दिया जा रहा है कि फिर से वेस्ट बंगाल, इसके साथ साथ बिहार, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम और उसके साथ असम, बहुत सारे स्टेट के अंदर जो है रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, वो है अप्रेंटाइज। तो टेक्निकल अप्रेंटाइज के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। अप्रोक्स अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज लेके इस बार आया है। ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जो कि पब्लिश कर दिया गया है इंडियन ऑयल की तरफ से। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको लिंक, जहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा टेक्नीशियन ट्रेड अप्रेंटाइज के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिटेल सेल्स एसोसिएट, ग्रेजुएट अप्रेंटाइज, इस तरह की जो पोस्ट है यहाँ पे निकल के आया है। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए और एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग जब ट्रेनिंग चलने वाले अप्रेंटाइज के, तो यहाँ पे आप स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट को जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, कैंडिडेट जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले हैं। अगर आप ITI पास है तो आप लोग भी एप्लीकेशन कर सकते हो। BE, BTEC, MBA, MCA, RCA, ICWA, इन सारे क्वालिफिकेशन कैंडिडेट भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। बेसिकली जो ट्रेड अप्रेंटाइज के रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जहाँ पे ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट ही यहाँ पे चाहिए। इसके अलावा अगर आप ट्रेड अप्रेंटाइज डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपको भी यहाँ पे ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यहाँ पे एप्लीकेशन चलने वाले बिफोर 3rd January 2023 तक यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो ऑनलाइन में। ऑनलाइन के IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते। एप्लीकेशन करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड, इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, जैसे कि 10th पास के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th पास के सर्टिफिकेट मार्कशीट, ITI पास के सर्टिफिकेट मार्कशीट, इसके अलावा वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, कास्ट प्रूफ सर्टिफिकेट, इन सारे चीज़ों को जो है लेके आपको एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए SC ST OBC हर कोई यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। एज क्राइटेरिया की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 18 से 24 ईयर्स तक कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए इस बार कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं चाहिए। यहाँ पे 18 से 24 ईयर्स के साथ साथ SC ST कैंडिडेट गेट आल्सो 5 ईयर्स एज रिडक्शन एंड OBC कैंडिडेट गेट आल्सो 3 ईयर्स एज रिडक्शन फॉर दिस पोस्ट। ISCL की तरफ से जो वैकेंसीज निकल के आया है उनके लिए आप लोग मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ISCL की तरफ से ये था एक बहुत बड़ी जॉब अपडेट। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आवर ऑफिशियल जो वेबसाइट www.studywithshobhik.com विजिट कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।